नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। दिस इज आदर्श कुमार फ्रॉम राजस्थान क्लासेस। दोस्तों, आपने देख लिया होगा थंबनेल पे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, PTET के लिए हम आज पढ़ने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज की आपके लिए क्लास रहने वाली है। बस आपको लास्ट तक बने रहना है और कोई प्यारे भाई बने लास्ट में देखते हैं, बाद में देखते हैं ऑफलाइन वीडियो, उनको बहुत बहुत सैल्यूट। और जो भी आधा देखते हैं या फिर बीच में छोड़ देते हैं, उनको कहना चाहूँगा वीडियो को कंप्लीट देखा करो, आपके लिए ही तो ये सारा कुछ है जो करते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, पहले ही क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न रहेंगे और बिल्कुल आपको अच्छे से जवाब देना है। ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे सरल पड़ेंगे, नहीं, सबका समायोजन होगा इसमें। और मतलब कि एक केवल औचित्य अपना ये नहीं रहेगा कि जो केवल और केवल अपन सरल, नहीं, कठिन भी रहेंगे, सरल भी रहेंगे, महत्वपूर्ण तो है ही है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। हाँ, पहला क्वेश्चन, विचारों में समानता होना, विचारों में समानता होना, ये क्या है? देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। किस मुहावरे का अर्थ है? दिल में गढ़ना, दिल मिलना, या फिर दोस्ती कर लेना, या फिर दिल मैला करना। राइट आंसर देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात है, हर भाई हर बहन बताएंगे और यहाँ पे बिल्कुल सभी का जवाब बनेगा, कोई ऐसा नहीं किया जो जवाब भी ना दे। बिल्कुल दोस्तों, राइट आंसर जाएगा आपका बी ऑप्शन के साथ, दिल मिलना, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, दिल मिलना होगा दोस्तों। विचारों में समानता होना मतलब कि दिल मिल जाना, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन जिन भी प्यारे भाई बहनों ने चुना उन सभी का राइट होगा। नंबर दो को बताते हैं। देखिए दोस्तों, 30 क्वेश्चन है, जल्दी से कंप्लीट करेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं ये बताना है। देखिए, ध्वनि के लिखित रूप को वर्णमाला कहते हैं, वर्ण कहते हैं, लिपि कहते हैं, या कोई नहीं, या फिर यहां पे आप शब्द मान लीजिए। तो दोस्तों, राइट आंसर, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, बिल्कुल वेरी गुड। देखिए दोस्तों, जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पे वर्ण बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा, मतलब कि बी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा। हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता दोस्तों, ठीक है। क्या है? हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए नंबर तीन को देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे तीन नंबर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बात करें तो इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। वर्ण के कितने भेद होते हैं? देखिए दोस्तों, वर्ण के कितने भेद होते हैं, इससे मतलब कि इससे आसान कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी प्यारे भाई बहनों का बी ऑप्शन राइट होगा। कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन, या तो नाम भी बताने लगे सारे के सारे। देखिए दोस्तों, स्वर और व्यंजन जो होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, स्वर खुद कितने होते हैं, स्वर दोस्तों कितने होते हैं? बिल्कुल, स्वर जो है 11 होते हैं। और दोस्तों, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं कुल? यहां पे बात करें स्पर्श व्यंजन की, तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन जो है कितने होते हैं, यहां पे आपका राइट 25 होगा, ठीक है। चलिए, और व्यंजन की बात करें तो 33। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की और बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए स्क्रीन पे कितना शानदार जबरदस्त क्वेश्चन दिख रहा है। महात्मा में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्विगु। कितना आसान है। देखिए दोस्तों, कर्मधारय होगा या कर्म अव्ययी भाव, इनमें से दोनों में से सेलेक्ट कीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, राइट आंसर जाएगा आपका ए ऑप्शन के साथ। जो भी प्यारे भाई बहने ए ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, क्या हो जाएगा? महात्मा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कर्मधारय होगा आपका। और ट्रिकी नोट्स, ट्रिकी क्लास जरूर पढ़ लेना किसी भाई बहन ने नहीं पढ़ी अभी तक तो, क्योंकि उससे आपका अच्छा है जो बिल्कुल हो जाएगा क्लियर। चलिए दोस्तों, नंबर पांच क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से देखो पहले एक बार। खवा रवा शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, खवा और रवा, ये दोस्तों पहला आपके लिए मतलब कि एक पूर्ण रूप से नया क्वेश्चन, ठीक है। तो राइट आंसर खंजर छोटा कण होगा, मतलब कि खवा का खंजर होगा या रवा का छोटा कण होगा, या फिर खवा का कंधा होगा या रवा का छोटा कण होगा, या फिर खवा का सारा या रवा का रति या तिनका या फिर कण। राइट आंसर देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी को लॉक कर देंगे यहाँ पे, मतलब कि उनका आंसर लॉक करेंगे, उनको लॉक, सबको लॉक नहीं करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, सिंपल सी बात है, सभी का राइट होगा कंधा, खवा, खवा मतलब कंधा और रवा मतलब छोटा कण होता है, ओके। चलिए बढ़े आगे, नंबर छह क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। एक छह नंबर क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर किसके साथ जाएगा?
देखिए दोस्तों, चंद्रमुख में कौन सा समास है? यहाँ पे कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत आसान है और कुछ ऐसे है कि मतलब पूछो ही मत, है ना। लास्ट तक बने रहेंगे तब पता चलेगा चंद्रमुख में कौन सा समास है। राइट आंसर अव्ययीय भाव होगा, नहीं होगा। कर्मधारय होगा क्या? बिल्कुल बी ऑप्शन को अपन यहाँ पे लॉक कर देंगे, कर्मधारय। कैसे? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा विच्छेद कीजिएगा, ध्यान मतलब कि आपको पता चल जाएगा। देखिए, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, जिसका चंद्र के समान मुख, तो क्या हो गया? चंद्रमुख। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, यहां पे आपका राइट आंसर हो गया कर्मधारय। अब हम आगे बढ़ेंगे, नंबर 7 को देखेंगे। 7वें नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा है? पंचवटी में कौन सा समास है? ध्यान दीजिए दोस्तों, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बहुत बढ़िया। देखिए, पंचवटी में कौन सा समास है? दोस्तों बहुत प्रॉब्लम हो रही है फिलहाल नेटवर्क की, पूछो ही मत, तो इसीलिए प्रीमियर लाइव कर रहा हूं आपके लिए बहुत जल्दबाजी में, ठीक है। अव्ययीय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु, जल्दी से बताइएगा। राइट आंसर देखिए किसके साथ होगा? बहुत बढ़िया। कौन कौन बता रहे? द्विगु, हाँ बिल्कुल है जो, हाँ उन सभी को बिल्कुल देना चाहिए, सब इनाम होना चाहिए, द्विगु हो जाएगा सभी के लिए। पांच वटों का समूह, वटों का समूह, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? द्विगु के साथ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो देखिए बात ऐसी है कि अपन है जो बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे अब इतनी विस्तार से भी बात नहीं कर पा रहे। अच्छा दोस्तों, संवाद शब्द में उपसर्ग कौन सा है? क्या है? पहले तो आप क्या करेंगे? संवाद पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें शब्द में उपसर्ग क्या है, फिर अब आप इसे क्या करेंगे? करो विच्छेद। क्या आता है? सम प्लस वाद। तो दोस्तों क्या आ रहा है यहाँ पे? सम, यही आ रहा है ना, बिल्कुल यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बढ़िया है, सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे दोस्तों। आप पे सम आपका सभी का राइट था। अब देखिए एक नया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, धरती क्या सूरज के चारों ओर घूमती है? घूमती है। तो देखिए दोस्तों, सूरज आपको क्या पूछा है? सूरज में संज्ञा कौन सी है ये आपको बताना है। तो लो साहब, पूरा क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, आपको अंडरलाइन कौन सा दिख रहा है? सूरज अंडरलाइन दिख रहा है, ठीक है। तो ये सूरज जो है ना, ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, भाववाचक है या जातिवाचक है? तो दोस्तों राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे कोई प्यारे भाई बहने कंफ्यूज जरूर होंगे, लेकिन दोस्तों संज्ञा का पूछा है, ठीक है, तो संज्ञा यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगी, ठीक है। सूरज क्या है? सूरज व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों, न कि भाव, न कि जाति, न कि द्रव्य, ठीक है, समझ गए ना सारे के सारे। चले अब अपन बढ़ेंगे नंबर 10 क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल दोस्तों, 10 क्वेश्चन अपने काफी जल्दी में हो गए हैं, मतलब कि 8-7 मिनट में जल्दी से हो गए, बिल्कुल है जो अपने 20-25 मिनट लगेंगे 30 क्वेश्चन में। अभ्युदय में उपसर्ग कौन सा है? देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, अभ्यु, अभि, अ, उपयोग सभी, मतलब ऑब्लीज। तो दोस्तों देखिएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा? करिएगा अभ्युदय, अभ्युदय। तो देखिए दोस्तों, अभी प्लस उदय होगा, यहाँ पे क्या होगा? अभी प्लस उदय होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? बिल्कुल आधा भा आ रहा है, तो अभी प्लस उदय हो रहा है, तो यहाँ पे अभी ये आ रहा है। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। जो भी प्यारे भाई मैंने बी ऑप्शन बता रहे, यहाँ पे तो आपके सरल क्वेश्चन है, आगे देखो बड़ा आनंद आएगा, स्कोर नहीं जनरेट हो पाएगा देखना आप, बिल्कुल, है ना। चलिए नंबर 11 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा, दिल पर हाथ रखना मुहावरे का अर्थ जो है ना, ये क्या है? क्या पूछा है? देखिए आज तो ऐसे ही मुहावरे आ रहे सारे के सारे दिल के। देखिए, दिल पर हाथ रखना मुहावरे का अर्थ, ईमानदार होना, मतलब कि आप जैसे, ठीक है, आप जैसे कि ईमानदारी के साथ, है ना, पढ़ते हैं ना ऐसे, ईमानदार होना या फिर दिल लगाना, नहीं साहब ऐसे नहीं हो सकता, प्रेम से बात करना, नहीं ये भी नहीं होगा, सत्य बात कहना, बहुत बढ़िया डी ऑप्शन। कौन कौन बता रहे? बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन राइट होगा। देखिए, दिल पर हाथ रखना मतलब कि सत्य बात कहना, मतलब कि सही सही बात करना, झूठ नहीं बोलना। तो दोस्तों बिल्कुल जैसे कि आप लोग है ना, बिल्कुल सही सही बात बताते हैं कि हाँ हम रोज पढ़ते हैं या फिर इस प्रकार से, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। जैसे अब अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है 12 नंबर पे, भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय कौन सा है ये आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों, राइट आंसर जाएगा भुलक्कड़ में सब, भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय कड़ होगा, अक्कड़ होगा, ड होगा या फिर लक्कड़ होगा। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ठीक है, फुल प्लस अक्कड़, फूल प्लस अक्कड़, ठीक है, क्या हो जाएगा? अक्कड़ हो जाएगा। कौन कौन बता रहे अक्कड़? बिल्कुल राइट होगा बी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे अक्कड़ होगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कोई एडवांस ही नहीं, क्या बात करें ना। चलिए नंबर 13 प्रत्यय और उपसर्ग में कोई एडवांस नहीं है साहब,
नंबर 13 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि तेजस्वी शब्द में प्रत्यय है। दोस्तों ध्यान दीजिए, तेजस्वी जो शब्द है ना, इसमें प्रत्यय कौन सा है? स्वी है, वी है, जस्वी है या कोई नहीं है? तो यहाँ पे कोई नहीं की जगह दूसरा भी दे दिया होता तो भी ठीक रहता, आप कंफ्यूज होंगे, हो जाते थोड़े बहुत। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है, राइट आंसर जाएगा आपका वी के साथ। कोई कोई यहाँ पे ए बता रहे, लेकिन नहीं, वी होगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, तेजस क्या हो जाएगा? तेजस प्लस वी। ओके, यहाँ पे सही जवाब ये होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे नंबर 14 क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, यहां तक तो आपके बिल्कुल थोड़े से सिंपल क्वेश्चन है, तब आगे बढ़ो, आगे आनंद आने वाला है। देखिए दोस्तों, इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द है, वो कौन सा है ये बताना है। देखिए दोस्तों, जिज्ञासा है, सही से लीजिएगा, ये लो। ठीक है, क्या है? जिज्ञासा है, ज्ञानेंद्रिय है, जितेंद्रिय है या इंद्रिय है? यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात जरूर है, लेकिन दोस्तों क्या पूछा है? इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय हो जाएगा। काफी भाई बहने बी ऑप्शन बता रहे हैं, उन सभी का बहुत अच्छे राइट होगा। हम बढ़ेंगे आगे नंबर 15 क्वेश्चन के साथ। एक अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है साथियों, ध्यान दीजिए। अंबुज अम्बुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है जो, वो कौन सा है? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जल्दी से आंसर देना है। बिल्कुल दोस्तों, क्या हो जाएगा सही जवाब? अंबुज अंबुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद कमल बादल, बादल जल, जल कमल, पृथ्वी बादल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, यहां पे जो भी प्यारे भाई मैंने कमल और बादल बता रहे हैं, ए ऑप्शन, मतलब कि कमल बादल ए ऑप्शन में है, तो राइट। अंबुज का मतलब होता है कमल और अंबुद का मतलब हो जाएगा बादल। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, चलिए राइट आंसर नंबर 16 को देखते हैं दोस्तों। और 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और ध्यान दीजिए 16 नंबर क्या पूछा है? वधूत्सव में संधि कौन सी है? क्या है दोस्तों? वधूत्सव में संधि कौन सी है, ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल, है ना, सभी प्यारे भाई बहने बताएंगे राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, वाह बहुत बढ़िया। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा स्वर संधि के साथ, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे तो सिंपल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले जाए स्वर संधि में भी कौन सी है, बताओ जल्दी से बताइएगा, स्वर संधि में भी कौन सी है? वधु प्लस उत्सव, ठीक है। अब बता दो जल्दी से, बता दो, वधु प्लस उ प्लस अ, ठीक है। तो दोस्तों राइट आंसर उ प्लस उ, राइट आंसर क्या जाएगा? दीर्घ संधि के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, दीर्घ संधि हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब तो, और अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। दोस्तों जो जो आसान है वो अब यहाँ पे देख लेते हैं। लास्ट के 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही थोड़े से कड़वे लगेंगे आपको। महोत्सव में संधि जो है ना, वो कौन सी है? विसर्ग संधि होगा, विसर्ग संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, गुण संधि होगा या दीर्घ संधि होगा? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्तों, राइट आंसर जाएगा फिर से आपका स्वर संधि के साथ। कौन कौन बता रहे स्वर, मतलब कि कौन सी स्वर में भी कौन सी? बिल्कुल यहां पे बता रहे सी ऑप्शन, उन सभी का राइट होगा। महा प्लस उत्सव, क्या? महा प्लस उत्सव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? सी ऑप्शन, जो जो भाई बहने बता रहे उन सभी का राइट होगा। बिल्कुल सिंपल था ये भी, और संधि और समास की वीडियो ट्रिकी दे रखी दोस्तों, पढ़ लेना, बस ये बताऊंगा आपको, दो बार पढ़ लेना एग्जाम से पहले, ठीक है, क्योंकि फिर भूलेंगे नहीं। अब देखिए दोस्तों क्या पूछा है आपसे, यहां से शुरुआत अच्छी हो रही है। किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? क्या है कि किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? बाकी जो कि है, हरदेव सोता है, रमेश ने मुझे पत्र लिखा, युवक टहल रहा है, शेखर काम में चलता है। तो देखिए दोस्तों, कार में चलता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया नहीं है दोस्तों, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, शेखर कार में चलता है, ठीक है, शेखर अपनी कार में चलता है, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। बाकी हरदेव सोता है, ये तो हो ही नहीं रहा है, युवक टहल रहा है, ये भी नहीं होगा। किस क्रम में अकर्म क्रिया नहीं है? नहीं तो दोस्तों इसमें नहीं है, रमेश ने मुझे पत्र लिखा, क्या? देखिए सकर्मक हो रही है ना, तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना, इसमें अकर्म क्रिया नहीं है, बाकी सभी में अकर्म क्रिया है। चलिए नंबर 19 क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, और 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, आपको बड़े अच्छे से दिख रहे होंगे ना, हाँ
बिल्कुल। चलिए तो देखिए दोस्तों नंबर 19 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सप्तऋषि में संधि कौन सी है। अब देखिए दोस्तों ये संधि का और क्वेश्चन आ गया, इसके लिए समझ चाहता हूँ क्योंकि संधि के अपने कुल है जो तीन क्वेश्चन आ गए। चलो कोई ना, अपन तीन को भी सॉल्व करेंगे। सप्तऋषि में संधि कौन सी है दोस्तों, है ना, सभी भाई बहने राइट आंसर देंगे। और सप्तऋषि समास भी बनता है और संधि भी बनती है और शुद्ध और विश्व मतलब कि अशुद्ध शब्द भी बनता है। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा स्वर संधि के साथ आपका। ये इतने ऐसे नहीं पूछा जाएगा आपको, डायरेक्ट बीच का पूछा जाएगा, दीर्घ होगा, गुण होगा, यादि होगा, यण होगा, वृद्धि होगा, ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे भी कौन सा गुण स्वर संधि होगा दोस्तों, क्या गुण स्वर संधि होगा। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ और सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा यहाँ पे, कोई यहाँ पे मतलब इतना नहीं है आपको, सप्त प्लस ऋषि ही करना है विच्छेद में, ओके। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे आगे नंबर 20 क्वेश्चन के साथ जल्दी से, क्योंकि आज क्लास बहुत लेट है इसीलिए जल्दी से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी भी लग रही होगी। तो दोस्तों देखिएगा ये क्वेश्चन है लोकोक्ति का, ठीक है, मुहावरे का नहीं बल्कि लोकोक्ति का क्वेश्चन है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा नंबर 20 का, ईंट की लेनी पत्थर की देनी। वाह साहब क्या बात है, ईंट की लेनी और पत्थर की दे देनी, ठीक है। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, ईंट देखिए पत्थर से जवाब देना, ईंट सस्ती और पत्थर महंगा, गुण के विपरीत नाम होना या मुंह तोड़ जवाब देना। राइट आंसर बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब पे जाएगा ना, बिल्कुल दोस्तों सभी प्यारे भाई बहनों का राइट आंसर हो जाएगा मुंह तोड़ जवाब देना, मतलब ईंट का पत्थर, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब कि वो कहा जाता है ना, तो मुंह तोड़ जवाब देना आपका सही मुहावरे का अर्थ होगा दोस्तों डी ऑप्शन। चले हम बढ़ेंगे, हम चले अगले क्वेश्चन के साथ और अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल आ रहा है। झगड़ा मेरे और उसके मध्य था, क्या था झगड़ा, हाँ भाई साहब जैसे भी था, देखिए झगड़ा मेरे और उनके उसके मध्य में था, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा कारक आ रहा है ये आपको बताना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों। देखिए मैंने पूरा रट लिया कि सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, लेकिन आप मान ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं टफ है, लेकिन दोस्तों बहुत सिंपल है ना, ज़्यादा नहीं है टफ। तो राइट आंसर किसके साथ है, कौन सा कारक, ये थोड़ा सा जरूर हो सकता साहब टफ है ना, लेकिन अच्छे से लो इसको और ग्रहण करो, पहले तो इसे उन्मुखता के साथ ग्रहण करो फिर गौर फरमाओ, है ना। राइट आंसर किसका हो जाएगा आपका, संबंध कारक। बहुत बढ़िया दोस्तों सी ऑप्शन, कौन कौन बता रहे लेकिन कम बता रहे तो भी सही होगा सी ऑप्शन, संबंध कारक। क्या काकी के है ना, रारी रे हो रहे ना, रारी रे और नानी रे, तो दोस्तों ये जो है ना ये इसके क्या है, बिल्कुल जो इसके वर्ड है दोस्तों, ठीक है, प्रयुक्त होने वाले। चलिए दोस्तों झगड़ा मेरे और उसके मध्य था, तो के तो दोस्तों आपका ध्यान में रखना है, ये है जो किससे प्रयुक्त हो रहा है, संबंध कारक से प्रयुक्त हो रहा है। अब हम बढ़ेंगे आगे, हे भगवान ये कैसा वायरस है, हे भगवान ये कैसा कोरोना वायरस है। राइट आंसर बस आपको बताना है, देखिए दोस्तों क्या पूछा है आपसे, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हाँ रियली सिंपल क्वेश्चन है, हे भगवान ये कैसा वायरस है, इसमें कारक कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों करण कारक है, संबोधन कारक है और संबंध कारक है या कर्म कारक है। राइट आंसर बिल्कुल सिंपल जाएगा दोस्तों, हे अरे ओ, कहते ना हे अरे ओ, मतलब हो गया तो हो गया लेकिन हे अरे ओ ये तो आना ही आना है। चलिए तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे ये किसके है, ये किस में प्रयुक्त होते हैं, ये होते हैं आपके संबोधन कारक में। जो भी प्यारे भाई बहन संबोधन कारक बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा, मतलब कि बी ऑप्शन, हे भगवान ये कैसा वायरस है, हे भगवान ये कैसी लीला है, ठीक है, अरे भगवान, ठीक है। तो दोस्तों अरे ममता इस प्रकार से जो आते हैं, अच्छा चलिए दोस्तों देखिएगा नंबर 23 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या है, निम्न में से शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, बुद्धिमान स्वास्थ्य या अंत निरापराध। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अब आसान नहीं कहूंगा इसको। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका मतलब कि एक धर्म युद्ध हो गया है कि जो किसको राइट करें, हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। कि पूछा है क्या है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, कौन सा करोगे, जल्दी करो, यहाँ पे जरूर से जरूर गलत करेंगे दोस्तों, आप में से कोई ना कोई कहीं ना कहीं आप जरूर गलत करेंगे। लेकिन दोस्तों बता दूं बुद्धिमान ऐसे नहीं लिखा जाता, तो कैसे लिखा जाता, बुद्धि
बुद्धिमान ऐसे हलंत आएगा नीचे बुद्धिमान में, ठीक है यहाँ पे हलंत आएगा। ओके चलिए स्वास्थ्य ऐसे ही लिखा जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अब आंत की बात करें तो दोस्तों आंत ऐसे लिखा जाएगा चंद्र बिंदु के साथ, क्या चंद्र बिंदु के साथ लिखा जाएगा आंत, ठीक है ऐसे पूरा नहीं लिखा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए निरपराध नहीं लिखा जाता, निरपराध लिखा जाता निरपराध, जैसे कि मैं आपको बताऊं यहां पे तो ये इस प्रकार से पूर्ण रूप से जैसे बुद्धिमान ऐसे आंत ऐसे निरपराध ऐसे, ठीक है शुद्ध शब्द जो है आपका केवल और केवल स्वास्थ्य हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जो भी प्यारे भाई बहनों ने अच्छे से समझते हुए किया है उनका राइट होगा, कोई बात नहीं यहां से हो जाता है अशुद्ध शुद्ध में थोड़ा सा ध्यान रखा करो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गलती किसी से भी हो जाती है साहब, मेरे से भी हो जाती है ना, तो गलती तो हो ही जाती है, लेकिन हम जितने एक्टिव रहेंगे जितने मतलब बिल्कुल है ना इस प्रकार से रहेंगे तो अच्छा होगा अपने लिए। निम्न में से अशुद्ध का पूछा है, क्या पूछा है कि अशुद्ध शब्द जो है कौन सा है। देखिए अहोरात्रि, उज्ज्वल, भौगोलिक या उपयोग सभी। देखिए दोस्तों ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये जो आप कोई मतलब तुक्का लगा दो, नहीं, राइट आंसर किसके साथ जाएगा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा अच्छे से इसको लो, थोड़ा सा हाँ उन्मुखता के साथ देखो, तन्मयता से के साथ देखो, राइट आंसर दोस्तों आपका जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए अहो रात्रि नहीं लिखा जाता दोस्तों, क्या लिखा जाता अहो रात्र लिखा जाता, क्या अहो रात्र लिखा जाता है, अहो रात्रि कभी नहीं लिखा जाता। उज्ज्वल दोस्तों ज दोनों जो है आधे आते हैं, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, भौगोलिक नहीं भौगोलिक लिखा जाता है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे आपके सब के सब एजो क्या है बस अशुद्ध, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। नंबर 25 को देखते दोस्तों, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध वाक्य है इनमें से। देखिए दोस्तों थोड़ा सा समय लास्ट में जरूर लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है जल्दी मत करो धैर्यता से काम लो, क्या सही है, नहीं मुझे नहीं लग रहा, गलत कर दो इसे, ठीक है दूसरों का परोपकार करना अच्छा है, क्या ये सही है लग रहा है आपको, जल्दी से बताइएगा क्या सही लग रहा है, नहीं क्यों नहीं लग रहा, यहाँ पे एक दूसरों यहाँ पे ये गलत है, दू बड़ा होगा ठीक है, दूसरों का परोपकार करना अच्छा पूरा वर्ड भी गलत है, मतलब कि पूरा वाक्य आप गलत है, चलो इसको भी गलत करेंगे। यह घी की शुद्ध दुकान है, यह घी की शुद्ध दुकान नहीं होती, यह शुद्ध घी की दुकान है, मतलब शुद्ध जो है ना ये घी के आगे आएगा तब ये सही होगा। चलिए यहाँ पे आपका ये भी गलत है। अच्छा दोस्तों प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ये आपसे भी हर बार कहता हूँ प्रमाणिकता के साथ उत्तर दो, गलत उत्तर मत दो, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पे आपके आपके जवाब पे ये क्वेश्चन बना है कि नहीं, बिल्कुल बना है साहब, और बना नहीं बनाया है। नंबर 26 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राइट आंसर कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना है। बिल्कुल दोस्तों अपने अपने घरों में जाकर सो जाओ, नहीं मतलब क्लास अभी पहले क्लास लेनी है उसके बाद है ना, ऐसे नहीं कि आप लुढ़क जाओ अभी और क्लास ये चलते रहे और आप सुबह वापस उठो, ऐसा नहीं। देखिए क्या पूछा है आपसे, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो दोस्तों यहाँ पे वृक्ष पर मोर बैठा है बिल्कुल राइट है साहब, ठीक है हम सभी पढ़ रहे हैं बिल्कुल राइट है, मैंने गुरु के दर्शन किए हाँ जैसे कि बीएसटीसी वाले के दिन। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे आपका ये सही है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये तीनों शुद्ध है, तो ये जो है ना ये अशुद्ध है, मतलब कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन प्यारे भाई बहनों का हो जाएगा। अपने अपने घरों में जाकर सो जाओ नहीं होता है, अपने अपने घर में जाकर सो जाओ, ये घरों वाला है ना, ये घर हो जाएगा यहाँ पे, घरों नहीं होगा, घर में जाकर सो जाओ, वेरी गुड। चलिए दोस्तों अपन अब बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन के साथ। नंबर 7 क्वेश्चन, मतलब कि एक आपके लिए ये है ना, ये एक ऐसा ही मान लीजिए कि कहीं से डरते हुए जो है ना ये क्वेश्चन लेकर आए हूँ, कैसे कि बीएसटीसी में ऐसा प्रश्न पूछा था, तो देखा मैंने कि ये जो ऐसा क्वेश्चन लेके ही चले जाते हैं। चले तो देखिए दोस्तों प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है, राइट आंसर दोस्तों किसके साथ जाएगा, यहाँ पे जरूर कन्फ्यूज होंगे बिल्कुल, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा उपन्यास केवल सेवा सदन है, सेवा सदन क्या है ये एक है जो उपन्यास है इनका, ठीक है दोस्तों बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे प्रेम की वेदी, कबला करबला और संग्राम, ये तीनों क्या है दोस्तों, ये तीनों नाटक है इनके, ठीक है समझ रहे ना, अपन ने बात किसकी की उपन्यास की, तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ये तीनों नाटक इनके है, प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम, ये तीनों प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद के नाटक है, और दोस्तों मुंशी प्रेमचंद
को नवाब राय भी कहा जाता है। क्या? नवाब राय भी कहा जाता है। अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल इनके जन्म की बात करें, 1880 में इनका जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? बनारस में हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे, नंबर 28 को देखेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? प्रतिमान किसका पर्यायवाची है? दोस्तों बता दूं आपको, कल चलेगी आपके लिए विज्ञान की वीडियो आएगी, क्लास नहीं आएगी, ओनली ऑन वीडियो आएगी, और वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। वो आपसे मैं मतलब क्या करूंगा, केवल और केवल आशाएं करूंगा, उम्मीदें करूंगा कि आप है जो उस वीडियो को पूरा देखेंगे, काम आपका बनेगा। मैंने तो मेरा काम कर लिया होगा उसमें, ठीक है, मतलब कि रिकॉर्ड कर लिया, बस कल आने वाली है। वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे उस वीडियो में, ठीक है, वन लाइनर काफी है। तो स्टार्ट में टफ क्वेश्चन है, बता दूं आपको अभी से, उस वीडियो में स्टार्ट में टफ क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, बस लास्ट तक बने रहेंगे, धैर्य रखेंगे तो ही काम बनेगा उसमें, ठीक है ना। हाँ चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रतिमान किसका पर्यायवाची, आदर्श का, विज्ञान का, द्रव का, कनक का? राइट आंसर बिल्कुल आदर्श का हो जाएगा साहब, एक क्वेश्चन तो बनाने में योग्य हो ना। बिल्कुल दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, आप कहेंगे कि कैसे हो रहा है, तो इसी के प्रकार जैसे कि प्रतिमान जो आदर्श का हो रहा है ना, जैसे कि मानक भी होता है दोस्तों, और क्या होता है, और भी बताऊँ क्या, प्रतिरूप भी होता है, और क्या होता है, और नमूना भी होता है दोस्तों, क्या, नमूना भी होता है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बढ़ेंगे, ए ऑप्शन सभी का राइट होगा। अब दोस्तों देखिए, नंबर 29 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत बढ़िया, 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है। मत्सर किसका, क्या पूछा, मच्छर नहीं, मत्सर किसका पर्यायवाची है? दोस्तों उत्पत्ति का नहीं लेके आया हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके लिए बहुत आसान, नहीं, उत्पत्ति होगा, इच्छा होगा, ईर्ष्या होगा या घमंड होगा? राइट आंसर जाएगा दोस्तों किसके साथ, जल्दी से, हाँ जी बिल्कुल जल्दी बताइएगा, बहुत बढ़िया। जो भी प्यारे भाई बहन हैं लास्ट तक जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आपने 10 बजे भी क्लास ली, उस टाइम दोस्तों नहीं चली थी, और मुझे भी शौक नहीं है कि मैं आपको इतना मतलब कि कष्ट दूं और मतलब इतना टाइम वेस्ट कराऊं, नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगा, ठीक है। अब ईर्ष्या के बारे में और बात करें तो दोस्तों स्पर्धा हो जाएगा इसका, और ठीक है, क्या स्पर्धा हो जाएगा, और क्या, और जैसे कहते हैं ना, इसको तो मेरे से बहुत जलन होती है, ये जलन, ये ईर्ष्या, ये स्पर्धा, ये डहा, ये जो है ना डहा, क्या ये डहा भी होता है, ये कुढ़न भी होता है, ये आप कुछ भी कह सकते हो किसी को, ठीक है ना। बिल्कुल आप जलन की जगह डहा भी कह सकते हैं, कुढ़न भी कह सकते हैं, ईर्ष्या, स्पर्धा, कुछ भी कह सकते हैं, ये पर्यायवाची है। ओके दोस्तों, हम बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे, और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और उम्मीद करूंगा सभी लाडले भाई बहने जवाब के लिए तत्पर है। बहुत बढ़िया, सभी योद्धाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं अगली एग्जाम की। देखिए दोस्तों, जागृत का विलोम शब्द, जागृति नहीं पूछा है, जागृत का पूछा है, तो दोस्तों राइट आंसर क्या जाएगा, अयुक्त जाएगा, पूर्ण जाएगा, कृपण जाएगा या सुप्त जाएगा? राइट आंसर दोस्तों यहां पे बता दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं कल के क्वेश्चन के और राइट आंसर, बहुत बढ़िया, जो भी प्यारे भाई बहन डी ऑप्शन बता रहे उन सभी का राइट होगा। क्या? देखिए आप में से काफी ने नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं यार, यहाँ पे है ना, किसी से नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो सारे के सारे क्लियर करिएगा। अयुक्त, अयुक्त का दोस्तों क्या होता है, युक्त होता है, विलोम शब्द, ठीक है, क्या होता है, युक्त होता है। पूर्ण का क्या होता है दोस्तों, पूर्ण का रिक्त होता है, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण का रिक्त होता है। कृपण का क्या होता है दोस्तों, कृपण का दानी होता है, ठीक है, और सुप्त है जो जागृत हो ही गया है। चलिए दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे, आज की लाइव सेशन यहीं तक, अब अपन देखते हैं कल की, जो है ना, कल जिन भी प्यारे भाई बहनों ने लिस्ट में बताया था कि सबसे पहले जिन्होंने भी बताया उनकी लिस्ट आने वाली है, ये है उनकी लिस्ट। देखिए दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को पहले से ही, राष्ट्रहित में शिक्षा रूप में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, जो भी प्यारे भाई बहने पहली बार है। देखिए सबसे छोटा ग्रह आपसे पूछा था कि कौन सा है, ये है आपका बुध ग्रह दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आंसर देने वाले मनी बॉय, और सेकंड श्री राम यादव, नंबर 3 पे करण घारू, नंबर 4 पे सोनूदीप पारिक, नंबर 5 पे कविता माली, नंबर 6 पे दीक्षा भोजना, नंबर 7 पे डीके राठौर, नंबर 8 पे कौशल कुमार, नंबर 9 पे रांजू मावर और नंबर 10 पे रेखा देवासी। बिल्कुल जी, आप सभी प्यारे भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां, बहुत ढेर सारी बधाइयां की है, जो आप एक्टिव रहते हैं, और जो भी प्यारे भाई बहने पहली बार है उनसे भी कहना चाहूंगा आप एक्टिव रहा करो, और आपको लाइव सेशन में, बाहर कमेंट सेक्शन में नहीं देना है, लाइव सेशन में देना है जवाब, है ना। बिल्कुल लाइव सेशन में जवाब देंगे तभी आएगा आनंद और आपका नाम आएगा अगले दिन, क्यों,
क्योंकि आप जवाब देंगे फटाफट से, इसीलिए आएगा। चलिए दोस्तों बधाई हो सभी को, और आज का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप सभी को, क्या तैयार है? बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे भाई बहने तैयार है। राजस्थान क्लासेस की सेक्सी वाणी पहुँच रही है ढाणी ढाणी। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत की उड़न परी किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है आपका आज का प्रश्न राजस्थान क्लासेस पर, भारत की उड़न परी किसे कहा जाता है? उसका नाम लिखना है कमेंट सेक्शन में, किसी को पता है तो जरूर लिखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, कल क्लियर कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल, और दोस्तों जल्दी से जवाब दे दीजिएगा फिर है जो, बिल्कुल हाँ दोस्तों। मेरे अनुसार मैंने जो आज की क्लास को बहुत जल्दी से सुपर फास्ट तरीके से चलाई है, ठीक है, नो स्टॉप, बिल्कुल बीच में कोई तरह की मतलब एक सांस तक नहीं ली, ठीक है, तो बिल्कुल रेगुलर रहा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी ये क्लास जो है ना, ये आपकी क्लास हो गई है बराबर आधे घंटे में कंप्लीट हो गई साहब, यहाँ तक भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप में से काफ़ी भाई बहने बता देंगे यहाँ पे, कोई भी मतलब जो भी आ रहा है ना वो लिख दो यहाँ पे, ठीक है, आएगा नाम तो आ जाएगा अपनी, मतलब कि अपन बता देंगे। देखिए मेहनत में अपन कसर नहीं छोड़ेंगे, फिर देखो रिजल्ट पे है जो, देखिए भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और कल सुबह लाइव आएगी, उससे उसके बाद जो आएगी विज्ञान की एक वीडियो आने वाली, साइंस की वन लाइनर क्वेश्चन, बार बार कह रहा हूं उस वीडियो को कंप्लीट देखना, यदि कंप्लीट नहीं देख पाए ना तो दोस्तों फिर वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीधी बात है, ठीक है, तो बात ही है, और जरूर पढ़ लेना। और दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और आप सभी का स्नेह, सहयोग, धैर्य, संयम जो भी है, सारा का सारा ऐसे ही बना रहे राजस्थान क्लासेस पे, बस यही आशा करूंगा, यही उम्मीद रखूंगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।